तो फ्रेंड्स वेलकम बैक दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में हेमेस्टर कॉम्बेट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। यहां पर सीफर कोड कॉम्बो कार्ड वो तो अवेलेबल हो चुका है, लेकिन टीजी को लेकर क्या कुछ इनकी टीम अब कह रही है, मतलब टीजी क्या आ सकता है कम्युनिटी की डिमांड पर, क्योंकि कम्युनिटी की डिमांड यहाँ पर बढ़ते जा रही है। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर अब देखने को मिल रही है, अगर आप यहाँ पर हेमेस्टर कॉम्बेट से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर अब टीम थोड़ी एक्टिव नज़र आ रही है और कम्युनिटी की बात को यहाँ पर वो सुनते हुए भी नज़र आ रही, मतलब अब यहाँ पर निग्लेक्ट नहीं कर रही जैसे कि पहले करती थी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपडेट्स की। तो सीफर कोड आज का आपको देखने को मिल जाएगा, जो है यहाँ पर वॉल्ट किस प्रकार से क्लेम करना है इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है। टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को मिस मत करना क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो है यहाँ पर टीजी। सबसे पहले आप यहाँ पर इसे क्लेम करिए, 1 मिलियन टोकन आपको मिल जाएंगे। कल कॉम्बो कार्ड अवेलेबल कर दिया था, कॉम्बो कार्ड को भी मिस मत करना क्योंकि बहुत सारे लोग अब यहाँ पर इनएक्टिवेट हो चुके हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे जो एमएसएल कॉम्बेट है उस पर यूजर्स इनएक्टिव हो गए हैं, उसका एक रीजन है कि यहां पर ये टीजी अभी लेकर नहीं आ रहे हैं, उस वजह से काफी लोग यहां पर इस पर वर्क जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको अब करना चाहिए क्योंकि जब कोई वर्क नहीं कर रहा है हमको करना चाहिए, क्योंकि एमएसएल भले ही यहां पर इतना बड़ा एयरड्रॉप का अमाउंट नहीं देगा, सभी यूजर्स को नहीं देगा, लेकिन कुछ यूजर्स को जरूर देने वाला है। मतलब अगर आप इनके टोटल यूजर्स की संख्या देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट यहां पर 300 मिलियन के पार हो चुकी है और हर कोई को एक बड़ा एयरड्रॉप का अमाउंट नहीं मिलने वाला, कई लोगों को तो यहां पर बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर आप सभी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो यहां पर श्योरिटी है कि आपको एक बड़ा एयरड्रॉप का अमाउंट मिलेगा। अब हेमेस्टर कॉम्बेट का यहां पर ये आप ट्वीट देखिए एक सैंडल पर, जो 8 आवर पहले इन्होंने किया हुआ है, क्या कहा हुआ है इन्होंने वो आप देखिए। वर्किंग हार्ड ऑन अ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल सॉल्यूशन विद टोन ब्लॉकचेन। टोन ब्लॉकचेन जो यहां पर जिस नेटवर्क के ऊपर आने वाला है, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाला है, ये तो ऑफिशियली सपोर्टेड है कि इसी ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा। और इन्होंने कहा हुआ है कि हम यहां पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस कर रहे हैं यहां पर टोन ब्लॉकचेन के साथ, एंड इट विल टेक टाइम। यहां पर वो समय ले सकता है, कांट नेम द डेट, हम यहां पर डेट को अभी भी अनाउंस नहीं कर सकते हैं, डेट कौन सी होने वाली है उसके बारे में यहां पर नहीं बता सकते, बिकॉज नो वन हैज एवर फेस्ड अ टास्क लाइक दिस बिफोर। क्योंकि इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अभी तक कोई ने भी ऐसे टास्क को फेस नहीं किया हुआ इससे पहले जैसा कि हम यहां पर फेस कर रहे हैं। अब इनका कहना यह है कि अगर आप देखेंगे कम्युनिटी बेसिस पर, ये अभी तक टेलीग्राम का देखें या फिर एक्स हैंडल या फिर नॉर्मली भी देखें, तो कम्युनिटी बेसिस पर ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है क्रिप्टो हिस्ट्री का, जिसके यहां पर इतने ज्यादा यूजर है। अदरवाइज अगर आप देखें इतने ज्यादा यूजर्स देखने को नहीं मिलेंगे, और इसी वजह से ये बहुत मुश्किल काम है कि इतनी जल्दी यहां पर सभी चीजें लेकर आई जाए। तो पहले आपने क्लियर करना चाहिए था, पहले आपने डेट क्यों अनाउंस कर दी कि हम यहां पर टीजी लेकर आने वाले हैं। शायद इनको ये नहीं पता होगा कि हेमेस्टर कॉम्बेट इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा और इतने ज्यादा यूजर्स यहां पर इससे ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब अगर आप देखें तो इनको समझ में आ रहा है, और इसीलिए इन्होंने कहा हुआ है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट हो रही है, इसी वजह से डेट अभी हम अनाउंस नहीं कर सकते। तो लोगों का क्या कहना है, लोग क्या मानते हैं, उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। व्हेन टीजी, व्हाई आर नॉट यू नेमिंग द डेट, व्हेन एयर ड्रॉप, ये 3 सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। टीजी कब होगा, अभी तक आप यहाँ पर डेट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं, कब यहाँ पर आप एयर ड्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एक यहाँ पर GIF है इन्होंने शेयर किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि ये समय लेने वाले हैं। समय लेने का रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये 300 मिलियन प्लस यूजर्स का हो चुका है, और इसके लिए ईजी टास्क नहीं बन रहा है अभी के समय कि वो यहाँ पर आपको कोई डेट बता दे, कि हो सकता है डेट अगर बता भी दी जाए तो वो यहां पर डेट मिस हो जाए और आपको फिर से वेट करना पड़े, जिसको लेकर आप स्कैम कहें। तो स्कैम तो काफी लोग कह रहे हैं, लेकिन आप यहां पर रिप्लाई भी दे रहे हैं इनके द्वारा, इनकी टीम जो है थोड़ी एक्टिव नजर आ रही है। काफी सारे यूजर्स जो यहां पर टीजी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको भी जवाब मिल रहा है। पहले यहां पर टीजी को लेकर कोई जवाब नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा है। मतलब यहां पर इनकी टीम यह समझ चुकी है कि कम्युनिटी को नाराज नहीं करना है, कम्युनिटी को निराश नहीं करना है, कम्युनिटी के जवाब देते रहना है। अभी भी अगर मुझे लग रहा है कि यहां पर यह जो एयर ड्रॉप है वो जरूर देगा, एक बड़ा एयरड्रॉप आपको दे सकता है। आपको इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि भले ही यहां पर आप देख रहे हैं इसको लेकर लोग नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा जरूर है कि हम कम्युनिटी के लिए एयरड्रॉप यहां पर कुक करने वाले हैं। भले ही वो अमाउंट जो है वो किसी के लिए कम होगा, किसी के लिए ज्यादा होगा, लेकिन एयरड्रॉप यहां पर जरूर मिलेगा। इतनी बड़ी कम्युनिटी को निराश नहीं करेगा, क्योंकि उससे प्रोजेक्ट जो है इन फ्यूचर, जैसा कि इन्होंने कहा हुआ है सेकंड सीजन भी ये लेकर आएंगे, तो इनका सेकंड सीजन ही सक्सेसफुल नहीं होगा अगर फर्स्ट वाले में ये यहां पर एयरड्रॉप का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी के समय में वर्क करते रहना है हेमेस्टर कॉम्बेट पर, जितने भी टास्क आ रहे हैं सभी कंप्लीट करिए, चाहे वो डेली सीफर कोड हो, चाहे वो डेली कॉम्बो कार्ड हो, या मिनी गेम हो। मिनी गेम
गेम में भी काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब मिनी गेम में आपको यहाँ पर इतना इंतजार नहीं करना पड़ रहा है जितना पहले करना पड़ रहा था, मतलब यहाँ पर हर 5 मिनट में आप रिट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें, यहाँ सिर्फ 5 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनकी टीम लेकर आ रही है, वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने जो गेम लेकर आया हुआ है उसका भी टाइमिंग थोड़ा सा बदल दिया है। अब ये गेम में क्या हो रहा है पहले आप समझ लीजिए। इस गेम में आपको यहाँ पर 1 मिनट मिल रहा है, पहले यहाँ पर सिर्फ 30 सेकेंड मिलते थे, अब 1 मिनट में आप यहाँ पर इस गेम को प्ले भी कर सकते हैं, प्ले करके यहाँ पर की को अर्न भी कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें यहाँ पर हम इस गेम को प्ले कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर इस की को हम अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस बार की अर्न नहीं हो पाएगी, देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर। और ये टाइम जो है वो निकलता जा रहा है, अभी भी आपके पास टाइम है। यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है ये दिक्कत दे रहा है, अब ये रेड कैंडल जो है वो दिक्कत देता ही रहेगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं इस रेड कैंडल को यहाँ से हटाने की, हटेगा नहीं हटेगा। टाइमिंग जो है वो निकलता जा रहा है और टाइमिंग निकलता जाएगा जैसे जैसे, तो फिर यहाँ पर हमारे पास टाइम भी कम बचेगा। और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है हम लॉक हो चुके हैं, ये अभी सॉल्व नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से टाइम मिल रहा है, कितना मिला है आप देखिए, 5 मिनट बाद फिर से रिट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसे क्लेम कर लेना है, साथ की हमने की है क्योंकि हमने अभी तक ये जो गेम है वो नहीं खेला है। आप गेम खेल रहे हैं तो आपकी लगभग 20-30 की हो गई होगी, उससे भी ज़्यादा की हो गई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी कीज जो है वो काफ़ी हैंडी होने वाली है। जो भी यहाँ पर टास्क आ रहा है वो हैंडी होगा। तो यहाँ पर गेम भी प्ले करते रहिए, कॉम्बो अवेलेबल हो रहा है उसे क्लेम करते रहिए, सीफर कोड लेते रहिए, डेली रिवॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके रिवॉर्ड लेते रहिए, लेवल को अपग्रेड करिए। 11 लेवल पर पहुँच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्रिएटर पर पहुँच गए तो फिर कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल भी नहीं है। तो लॉर्ड के लेवल पर पहुँच कर अपना बैलेंस मेंटेन करके चले 1 मिलियन के अबाव, और PPH ऑलमोस्ट 3 से 4 मिलियन तक पहुंचाइए। मैं भी यहां पर उसको पहुंचा लेता हूं, बहुत दिक्कत होगी मेरे को क्योंकि अभी मेरा जो PPH है वो काफी कम है। तो PPH को बढ़ाने के लिए जो भी कार्ड्स आ रहे हैं उनको आपको यहां पर अपग्रेड करना है, उन्हें क्लेम करना है। जैसा कि यहां पर नया कार्ड आया है इसको भी हम क्लेम कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर मेरा PPH अच्छा खासा बढ़ा लूं क्योंकि उसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है, मेरा अभी PPH जो है वो काफी कम है। जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं सबको मैं क्लेम करते चलता हूं आपके सामने। आप देखिए यहां पर मैं क्लेम कर रहा हूं जिससे मेरे को यहां पर PPH जो है वो 2000-3000 बढ़ रहा है, और अब मेरा PPH जो 2.45 मिलियन। कुछ बड़े कार्ड्स मुझे यहाँ पर लेना पड़ेंगे जिससे मेरा PPH ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाए। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर ये वाला कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है, लेकिन 47 मिलियन में मुझे 45,000 का प्रॉफिट पर आवर होगा। देखता हूँ अभी सोचेंगे क्योंकि अभी भी टाइमिंग एक्सपायर नहीं हो रहा है। ऐसे कार्ड जो एक्सपायर हो रहे हैं उनको आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। जैसे कि ये 4 मिलियन पे आपको 4,000 दे रहा है, मैंने इसको भी क्लेम कर दिया। तो आपको यहाँ पर इन कार्ड्स को ध्यान में रखकर इनको अपग्रेड करना है क्योंकि इनसे आपका प्रॉफिट पर आवर तो बढ़ेगा, लेकिन ये कार्ड्स भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्राइटेरिया बन सकते हैं, तो इसलिए आपको मिस नहीं करना चाहिए। और कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।